हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रिज का कवर बनाना बता रही हूँ। जो फ्रिज पूरा कवर नहीं, जो खाली ऊपर रखते हैं, खाली पीछे साइड में तो हम नहीं ऐसा कवर बनाते, खाली ऊपर का। तो ये मैंने इसकी लेंथ ली है, इसकी लेंथ है 53 और विड्थ इसकी है 17.5। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और हम इसे क्या करेंगे, इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। तो मैंने अलग से कपड़ा नहीं जोड़ा, इसी को फोल्ड कर देंगे 7 इंच। हम इसे फोल्ड कर देंगे 7 इंच, ये देखिए 7 इंच इधर से फोल्ड करेंगे और 7 ही इंच इधर से करेंगे, इतना दोनों तरफ 7 इंच हम इसे फोल्ड कर लेंगे, इधर से भी और उधर से भी। उससे पहले हम पाइपिंग से ही मैं इसकी साइड से फिनिशिंग कर दूंगी, सिल भी जाएगा और इसमें पाइपिंग भी लग जाएगी। बाद में लैस से हम इसे सुंदर बना देंगे। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग क्या सीधी पट्टी ली है मैंने पाइपिंग के लिए डबल, ये 2 इंच चौड़ी है और मैं इसे ऐसे डबल करके ऐसे लगाऊंगी। पाइपिंग से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और देखने में भी सुंदर लगेगा, तो इसे मैं पाइपिंग से ही इसे फिनिश कर दूँगी। ये देखिए लाइट कपड़ा है तो मैंने डार्क इसमें पाइपिंग लगाने के लिए सोचा, कपड़ा लाइट है तो डार्क ही मैंने इसमें ये पाइपिंग लगाई। डबल ही इसमें पाइपिंग लगाएंगे, जब हम इसमें डबल लगाएंगे तो ज़्यादा हमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, मोड़ना भी नहीं पड़ेगा बार बार, एक बार ही मोड़ेंगे पीछे से। ऐसे करके मैं पूरे में पाइपिंग लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पाइपिंग लगा ली है चारों तरफ। अब मैंने ये यहाँ से फोल्ड कर दिया, 7 इंच मैंने इसे फोल्ड करा है, ये यहाँ पर 7 इंच फोल्ड करके मैंने 5.5 का निशान यहाँ लगाया, 5.5 का निशान यहाँ बराबर मैंने ये बॉक्स बना दिए हैं। ये पॉकेट के लिए है, ये देखिए ये पॉकेट के लिए है। अब इसमें लैस लगा सकते हैं हम। उससे पहले मैं पहले से साइडों से ये खुला है, मैंने पहले पूरे में सिलाई लगा दी, फोल्ड कर दिया। अब इसे बंद करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी, इधर और इधर। तो ये देखिए मैं यहाँ से सिलाई लगा लेती हूँ। एक बार ही मैंने जोड़ दिया था इस पाइपिंग को, नहीं तो फिर दोबारा मेरे को फोल्ड करके जोड़ना पड़ता। मैंने पहले जोड़ दिया था तो अब मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। ये बंद हो जाएगा यहाँ से, ये सिलाई लग गई है तो ये यहाँ से ये बंद हो गया है। ऐसे ही इधर कर लूंगी मैं, 7 इंच का निशान लगा के मैंने इसे फोल्ड करा। आप भी ऐसे करिए और इधर भी मैं सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लग गई है, अब इधर भी सिलाई लगाएंगे हम ऐसे ही करके। इसे फोल्ड किया, 7 इंच फोल्ड करेंगे हम इसे। स्केल से मैं नाप लेती हूँ, थोड़ा सा और करेंगे तो ये हमारा 7 इंच की फोल्डिंग कर दी हमने यहाँ पे। ये थोड़ा और करना है, ये देखिए अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिल गया, अब हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे 5.5 का, क्योंकि हमें पॉकेट बनानी है, 3 पॉकेट बन जाएगी इसके अंदर। ये 5.5
से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी, लेस के साथ ही इसमें सिलाई लग जाएगी, अलग से सिलाई नहीं लगाऊंगी मैं इस पर। ये देखिए मैंने वाइट लेस ली है, आप चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं। ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ लगाऊंगी या यहाँ लगाऊंगी, उससे पहले यहाँ लगाऊंगी वो ये भी सिल जाएगा। ऐसे करके धागा चेंज कर देती हूँ क्योंकि लेस हमारी वाइट है। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये लेस लगा ली है, ये पॉकेट जुड़ गई है यहाँ पे, देखिए तीन पॉकेट बनी है। ऐसे ही मैं इधर भी करूँगी, इस साइड भी ऐसा ही करना है। देखिए इस पे भी ऐसी लेस लगेगी, ऐसे करके इसके अंदर फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे, जिससे कि सिलाई भी बैठ जाएगी और लेस भी हमारी हो जाएगी। और ये पॉकेट भी हमारी, देखिए अब इसके लिए मैं एक्स्ट्रा में काट देती हूँ अंदर फोल्ड करने के लिए। देखिए अब मैं इसे अंदर की तरफ टर्न कर दूँगी और अब मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ बन के रेडी है हमारा, ये तीन पॉकेट इधर बन गई हमारी, तीन पॉकेट इधर बन गई है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट भी करिए आप। अगर आपके पास कोई पैच वगैरह पड़ा हो तो पैच भी लगा सकते हैं आप पॉकेट पर। ये देखिए बहुत स्पेस है इसमें, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं रख के दिखाती पर यहाँ पर ऊपर मेरे फ्रिज नीचे रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको कूलर पर रख के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ही कूलर पर रख के आपको दिखाया है क्योंकि फ्रिज मेरा नीचे है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने कूलर पर रख के ही दिखा दिया आपको। देखिए फ्रिज तो थोड़ा चौड़ाई में होता है, तो इतना चौड़ाई में नहीं है ये, तो मैं आपको ऐसे रख के दिखा रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए तो ये हमारा बन के रेडी है। तो कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।